आमना सामना मीडिया नेटवर्क टीम पहुंची है जोगेश्वरी वेस्ट वैशाली नगर में, जहां धड़क कामगार यूनियन ऑफिस के नए ब्रांच की ओपनिंग होने जा रही है, जिसके अध्यक्ष हैं श्री अभिजीत राणे जी। आइए हम अभिजीत राणे जी से बात करते हैं। आमना सामना मीडिया नेटवर्क में सर आपका स्वागत है। आपने जो मुंबई उपाध्यक्ष की पोस्ट दी उमर मेमन जी को, आपको क्या लगता है इस पोस्ट के ऊपर ये कितना खड़े उतरेंगे? अनेक वर्षों से उमर मेनन सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहे। इसके पहले वो स्वाभिमान संगठन के एक अच्छे कार्यकर्ता थे। अच्छे अच्छे सामाजिक काम, सामाजिक उपक्रम उन्होंने किया है। धड़क कामगार यूनियन, ये यूनियन कामगार क्षेत्र में काम करती है, और मुझे विश्वास है कि जोगेश्वरी और ओशूरा परिसर में हाथ पर काम करने वाले बहुत से लोग हैं। जहाँ हॉकर्स की समस्या हो, रिक्शा टैक्सी वालों की समस्या हो, ऐसे बहुत से समस्या अच्छी तरीके से वो सफलतापूर्वक उसमें वो कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे विश्वास है कि लगभग 15 से 20 दिन पहले वो हमारे कार्यालय में आकर उन्होंने मेरे साथ में बात की, हमारे बहुत से पदाधिकारियों के साथ में बात की, और बात करने के बाद मुझे उनमें एक जोश दिखा कि आने वाले समय में उमर के माध्यम से जोगेश्वरी प्रभाग और मुंबई के लिए एक अच्छा कार्यकर्ता आप लोगों को मिलेगा, जो समाज उपयोगी कार्य करेंगे। और मुंबई में और महाराष्ट्र में लगभग 7.5 लाख कामगारों का नेतृत्व करने वाली धड़क कामगार यूनियन, साथ में हमारे साथ में जो अन्य 27 यूनियंस हैं, वो सभी यूनियंस के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं उमर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि एक नए उसने इसके पहले सोशल वर्क किया होगा, मगर कामगारों के लिए काम करना ये अपने आप में एक जोश है। जब हमारे पास एक दुखी, पीड़ित, शोषित कामगार जब आता है जी। और हम जब उनको मदद करते हैं तो अपने आप में एक प्रशंसा मिलती है, एक खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि उमर आने वाले समय में यहाँ के स्थानीय कामगारों की समस्या हो और या कोई भी शोषित पीड़ित आदमी की समस्या हो, वो अच्छे से उसे निभाएगा, और हम सब और हमारे साथ में जितने लोग हैं हमारे ये प्रभाग में जो पदाधिकारी है, सभी उसको मोटिवेशन देने के लिए आए हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा, और उसके पिताजी भी यहाँ पर है, उसके पिताजी, उनकी पूरी फैमिली मेम्बर्स, उसके सब दोस्त, उनको भी सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज हमारे यूनियन के माध्यम से उमर समाज में एक अच्छा काम करने वाला है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वो खरा उतरेगा। हमारे साथ है मुंबई के उपाध्यक्ष धड़क कामगार यूनियन के उमर मेमन। उमर मेमन, ये पोस्ट आपको आज अभिजीत राणे जी ने दी है, तो इस पर कुछ रोशनी डालते हुए अपनी प्रतिक्रिया दें, युवाओं को लेकर खास तौर पे, कि उनके लिए आपकी क्या सोच है? मेरी ये सोच है, जो हम लोग के जो बंदे हैं, हम लोग के भाई और बहन हैं, वो जो नशा नहीं करे वो लोग, और मैं ये जानना चाहता हूँ जो नशा करते हैं वो नशा छोड़ दीजिए वो लोगों को, और जो हमारे से सहायता लगती है वो हमारे पास आए और हमारे से जुड़िए, और हम उनकी सहायता करने के लिए यहाँ बैठे हुए। और ये जानना चाहूँगा, अभिजीत राणे साहब के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उनकी माध्यम से मैं जो भी काम करूँगा और जो भी अच्छे काम करना चाहता हूँ मैं, और उनकी सेवा करना चाहता हूँ पब्लिक की, और उस लेवल पर मैं अच्छे से बेहतर काम करना चाहता हूँ। उमर मेमन जी, लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि नशे को लेकर आप इस यूनियन के माध्यम से युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये जो आज एक पीढ़ी नशे की तरफ, नशे के अंधकार में जा रही है, जिन मेरे भाई लोग जो नशा करते हैं, उनसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि ये नशा जो है वो किसी के फायदे का नहीं है। वो नशा जो होता है ये आपकी सेहत भी ख़राब करता है, और आपके माहौल भी ख़राब करता है, और आपकी रेपुटेशन भी ख़राब करता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ आप लोग बंद कर दीजिए और ये सब छोड़ दीजिए आप लोग। और जो लोग नशा कर रहे हैं या जो लोग नशा बेच रहे हैं, उनके खिलाफ़ आप क्या करेंगे? उनके खिलाफ मैं कानून के माध्यम से ये बोलूँगा, पुलिस लोगों को उनकी सहायता लेके, पुलिस की जो बेचन है, जो बेचते हैं, ये जो धंधा करते हैं नशे का, जो भी है एक्स वाई जेड, जो मेडिकल जो नशा बेचते हैं मेडिकल वाले लोग, और जो इसके अलावा जो जितने भी नशा करते हैं, जो भी MD आ गया है, और जो फेंसिडिल पीते हैं कोई, गोरेक्स पीता है कोई, कोई बटन खाते हैं कोई, तो वो सब चीज़ों को हम लोग बंद कराने के लिए इंशाल्लाह कोई मुहिम चलाएंगे, और इंशाल्लाह कानून की मदद से हम लोग जो भी एक्शन लेंगे इंशाल्लाह कानून की मदद से लेंगे। नशा करने वालों के लिए आप क्या करेंगे? बस मेरे भाइयों को ये दुआ करूँगा मैं उनके लिए कि भाई ये सब आप छोड़ दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू। ये थे उमर मेमन हमारे साथ, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया।